व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं निकल चुका हूँ मीटिंग पॉइंट पे अपने हमेशा की तरह। और भाई मैं बताने वाला था आपको कि मुझे आ रही है नींद। नींद उड़ चुकी है भाई ऑलरेडी मेरी। जो ही मेरा एड्रेनलिन बढ़ा है अभी। नॉर्मल राइड होती है लेकिन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि भाई आज हमारी पहली राइड है Z900 के साथ, मॉर्निंग राइड। मज़ा आएगा, मैं पूछूंगा विष्णु से, उसने अभी थोड़ी बहुत चला ली है पर चलाने को मिलेगी, तो हम भी एक बार चला के देखेंगे कि कैसी फील है Z900 की। यार मज़ा आएगा आज की राइड में। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं पहुँचता हूँ मीटिंग पॉइंट और फिर वहाँ बात करते हैं आपसे। सो गाइस मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मीटिंग पॉइंट में और थोड़ी आज आई थिंक तबीयत सही नहीं लग रही है। लग रहा है मुझे कि अपना जो प्लान था थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो लोकेशन हमने डिसाइड करी है वो थोड़ी सी दूर है और ऑलरेडी यहाँ पहुँचने में मेरे को टाइम लग गया, क्योंकि ये पॉइंट ऑलमोस्ट 19-20 किलोमीटर दूर रहता है। देखते हैं कि क्या प्लान चेंज हो सकता है। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि एक ब्रेक लेना पड़ेगा जल्द से जल्द, कहीं पर रुक के कॉफ़ी वगैरह पीते हो। भाई लेट कैसे हो गया? भाई तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही यार। कैसे? मैंने सोचा दूसरी बार भी क्या ही मना करूं, तो देखा जाएगा। कोई बात नहीं, तो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं पूरे हफ्ते। अब बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है? अच्छा वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, पर चाय पीते पीते डिसाइड करते हैं। चल ठीक है, तू आगे रहियो, तू जहाँ भी रोके चाय के लिए वहाँ पे। तू ना तू आगे ही रह, जहाँ पे जहाँ से मुझे आगे रहना तू बता देना। हाय हाय हाय, अभी हमने डिसाइड किया कि ये कहीं पे बैठ के चाय पीते हैं, वहाँ पे बैठ के फाइनल करते हैं कि करना क्या है, कौन सी लोकेशन में जाना है। क्या पता चाय कॉफ़ी पी के थोड़ी एनर्जी आए। तो हम पहुँच चुके हैं उस कोटे हाईवे लिमिटेड। ये तो भाई कोई और है, अपने लोग का। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे ऑप्शंस रहते हैं चाय वगैरह के। हाईवे नेस्ट, अच्छा जी। क्यों भाई कमाल के हैं भाई लोग। लेट्स गो। थोड़ी सी एनर्जी आई है चाय वगैरह बिस्किट वगैरह खा के। और राइट साइड में बहुत प्यारा सनराइज़। वाह यार भाई बहुत प्यारा सनराइज़ हो रहा है। आई थिंक एक घंटा बचा है यहाँ से, तो थोड़ा लेट ही हो जाएगा हमें, बट मज़ा आएगा। Z900 भाई पत्थर फेंक रही पीछे। राइट साइड में देख पा रहे हो आप प्यारा सनराइज़, एंड आज आई थिंक सनराइज़ देखने को मिलेगा काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 3-4 मॉर्निंग राइड्स में हमें सनराइज़ नहीं देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। आई थिंक जब भी हम यहाँ से निकलते थे तो अंधेरे में ही निकलते थे, तो ऐसा व्यू हमें देखने को आज तक मिला नहीं। लेकिन आज क्या ही टाइमिंग है भाई, 6 बज रहे हैं और 6 बजे ये व्यू देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल भाई। मज़ा आ गया भाई साहब, यार मज़ा ही आ गया। GTA 5 लग रहा है भाई, GTA 5 नहीं GTA 6 लग रहा है। नाइस। भाई लोगों ने बाइक का एक रोक दिया, आई थिंक ये लोग वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। भाई क्या है ये, विष्णु रुक जाते हैं। ओह भाई चलो तुम लोग आगे पहुंचो, रिकॉर्ड करते रहिए क्योंकि मैं बगल से निकलूंगा। डन चलो सर। भाई हम निकलते हैं, विष्णु आ ही जाएगा। और भाई मज़ा आ गया भाई, अभी शॉट्स वगैरह लिए, बहुत प्यारे शॉट्स आ रहे थे, बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारी रोड और एपिक शॉट्स।
तो 41 किलोमीटर्स पहुँचते हैं लोकेशन पे और ये व्यू इंजॉय करते हुए जाते हैं भाई। मज़ा आ गया भाई 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 भाई, भाई। शिट भाई भाई दिखा भी नहीं है मुझे सामने, आप देख सकते हो आई थिंक फॉग हो रखा है नंदेल्स में पूरा। ओहो भाई Z900 भाई भाई बहुत लाइट है यार ये, 100 से भी लाइट फील हो रही है। आई डोंट नो वेट कितना है, अभी प्यार से चलाएंगे। ZX10R आई थिंक चले भाई क्या ही फील है यार इस बाइक की, पहली तो बहुत ज्यादा ही लाइट लग रही है, बहुत स्मूथ लग रही है और अभी तक का जो मैं 100 को चला के आ रहा था उसकी साउंड भाई बहुत डिफरेंट, इसकी साउंड बटरी स्मूथ भाई। मैं सच बताऊं ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी ही स्मूथ रोड में चल रहा हूँ, विष्णु पीछे वाली सीट में बैठा है, बाकी भाई हंटर के पीछे इंडिकेटर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है। भाई क्या पावर है, और हल्का सा थ्रॉटल दे रहा हूँ मैं, और मैं 92 में हूँ भाई, लिटरली मैं 92 में हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है भाई। इसको तो थोड़ा सा खींचूँगा मैं, 200 चले जाएगी। ओह शिट भाई भाई पावर है भाई, मतलब लिटरली मेरे को 80-90 में पता नहीं चल रहा अभी की फील पता कैसी है, अगर मैं हंटर में 50-60 में चलूं विष्णु भाई तो 50-60 में जो फील आती ना हंटर में, वो मुझे इसमें 100 में आ रही है कि भाई अभी धीरे ही चल रहे ऐसा लग रहा भाई साहब। ओह भाई 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 क्या भागती है, शिट भाई भाई मैंने हल्का सा खींचा और 100 पार। ओह भाई पीछे बंदे गायब ओह मैन नेक्स्ट लेवल पावर यार, और फील होती है भाई बॉडी में कि बॉडी आपके पीछे को जाती है, लिटरली VPA भाई बहुत पीछे रह गया नाइस लेफ्ट साइड में देख सकते हो भाई आप, पूरा फॉग हो रखा है। अभी थोड़ा यहाँ पे पुल करते हैं। ओहो हो 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 भाई पता नहीं चल रहा है, सिक्स्थ गियर में हूँ मैं और इंजन ब्रेकिंग बहुत खतरनाक हो रही है, जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ बाइक प्रॉपर इंजन ब्रेकिंग कर रही है, तो ब्रेक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही मुझे। ऑनेस्टली इस बाइक में अगर आप बैठते हो तो आप आई डोंट थिंक कि 70 से नीचे चलना पसंद करोगे, आपको बहुत ज़्यादा ही स्लो लगेगा। और अभी तो बाइक शांत है स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ, बट अगर इसमें एग्जॉस्ट भी आफ्टर मार्केट हो तो भाई क्या ही फील होगी। थोड़ी इसकी सीट मुझे हार्ड लगी, या फिर हंटर की मैंने बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट कर दी है, और मैं भी भाई 350cc चलाने वाला इसको चला रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे रिव्यूज़ थोड़े वियर्ड होंगे क्योंकि मेरा कंपैरिजन ही भाई उससे हो रहा है, लेकिन भाई बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि पावर तो फील होती है भाई। भाई क्या भागती है यार, शिट भाई 80-90 में ऐसा लग रहा है कि मैं हंटर में जो 50-60 में चलता हूँ ना, वो फील इसकी 80-90 में है कि भाई धीरे चल रहा हूँ। इसमें वो होगा ना ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की बाइक उठे ना, रोड मोड में, कौन से मोड में, स्पोर्ट्स में तो उठ जाएगी। ओ भाई भाई अभी क्या है ना कि हम पे एक सुपर बाइक है तो हमारी लोकेशंस लिमिटेड हो चुकी हैं, ऐसे जो हम जा रहे हैं ना ऐसी लोकेशन में हम Z900 को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है ना कि भाई मेरी बाइक में एक छोटा स्क्रैच आएगा या कोई पार्ट हल्का फुल्का डैमेज हो तो या तो मैं इग्नोर कर दूंगा या मैं सस्ते में उसको चेंज करवा सकता हूँ,
लेकिन भाई इसके पार्ट्स ही आप सोचो कि 10-20-30-40 हज़ार ऐसे में चेंज होंगे। ये देखो भाई, इसीलिए मैंने विष्णु को दे दी भाई, समझ रहे हो कि कितना रिस्क बढ़ जाता है और काफ़ी कॉस्टली, और मिलते ही नहीं यार पार्ट्स सुपर बाइक्स के। ऐसी कुछ लोकेशंस में जाने का हम अवॉइड ही करेंगे। एंड हियर वी गो, पहुंच गए। आई थिंक ऊपर कहीं नंदी हिल्स होगा। यही सही है। तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं दूसरी लोकेशन के लिए। आई थिंक कोई सा टेम्पल है। ओहो हो, आराम से आराम से, टायर स्लिप कर रहा हूँ, फिर रोड थोड़ी ख़राब है। नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं, देखते हैं कैसा सीन है वहाँ का, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वहाँ पहुँच कर देखते हैं। और सर बढ़िया बैलेंस करा आपने। वहाँ पर देखते हैं। तो आई थिंक इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे फिर निकलते हैं वापस। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।